वाह जी वाह, कायद आजम की जवानी की तस्वीरें, बड़ी लग्जरी। ये फास्ट एंड फ्यूरियस में जो वैन डीजल ने इस्तेमाल की वो एवेंटाडोर है, सही। और ये फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में जो गंजे ने इस्तेमाल की जो अच्छी है, यो वाली गाड़ी। अभी हमें पता लगा है कि मजार कायद पे डायनासोर भी मौजूद है। रोजा कहाँ इफ्तार करना है, सीबीओ करना है, घर करना है, रोड पे करना है, लंगर खाना है, बताओ मुझे। हमारी की इफ्तारी जेडीसी पे। अब ये भी तुमने सही कहा, नजदीक है। सरमद शूज ले रहे भाई अपने लिए। आजी आजी किधर है? इधर ही हूँ। इकरार हुआ। आपने क्या हुआ, नहीं लिया क्या बाड़ा मार्केट से कुछ? कोई चीज नहीं ली। क्यों, आप कुछ ले नहीं रहे भाभी के लिए? भाभी है ही नहीं यार। नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, भाभी नहीं है अभी तक? भाभी नहीं है, यही तो यार उस्ताद क्या करें, अब शादी नहीं हुई तो नहीं हुई, तुम सबकी हो गई। अच्छा। बात बात पे यार आप भाभी भाभी बोलते रहते हो। आज हम लोग आए हुए कायद आजम के मज़ार पे, और यहाँ आने की वजह है हमारे मेहमान, कुछ खास मेहमान। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको इनका इंट्रोड्यूस करवाऊँ। ये आए सरमद भाई। सरमद भाई कैसे? सरमद कितने टाइम बाद आए भाई? छः साल बाद। ये 6 साल बाद आया कराची वापसी, जब से यहाँ पे से गया था उसके बाद दोबारा आई नहीं। अच्छा आपको बताऊँ, ये आए गुजरावाला से, ये हमारे दूसरे भाई फैजान भाई। कैसे फैजान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? तबीयत ठीक है? आप आए हुए मज़ार-ए-कायद पे आए हुए। अच्छा मौसम भी बहरहाल सही है, इतना बेहतरीन मौसम है, ना कोई ज्यादा धूप है लेकिन और ना ही कोई गर्मी है। इन्होंने जो रास्ता बंद किया हुआ है ना अंदर जाने का, ये चीज अच्छी नहीं है यार। ये क्या मैं आपको बताऊँ, पहले तो खुला हुआ था, मेरे ख्याल से कोई कोरोना वरोना के चक्करों के बाद जो बंद हुए, उसके बाद दोबारा ये खुला ही नहीं है। तो टेंशन आप नहीं लो, हम अभी आपको म्यूजियम लेके जाएंगे, इधर बैक साइड पे इसके म्यूजियम भी है, म्यूजियम विजिट करते ठीक है। आप क्यों नाराज़ हो? नहीं हमने क्यों नाराज़, मज़ा आ रहा है? हाँ बहुत मज़ा आ रहा है लड़के, एंजॉय हो रहा है। शेरी किस टाइम की थी? बहुत दिनों बाद कराची वाला एक्सेंट बोल रहा हूँ उस्ताद, लेवल हो गया। तो ये भाई सारी चप्पलें जमा हो गई है, इसमें फैजान भाई की, सरमद भाई की, फात की, सईद भाई की और मेरी, हम सब की चप्पलें यहाँ जमा हो गई है। अब जाते हैं, साफ सफाई भी हो रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं, जस्ट चिल। सही, अजीब बंदा है, दबाने वाली बातें भाई, दबा पॉइंट ऑयल है भाई, दबा। ये आपको हम बोलते हैं ना कि सोलर लगाओ, आपको बुरा लगता है। ये देखो ये मज़ारे का है, सारा सोलर पे चल रहा है ठीक है। और आप खुद इससे अंदाज़ा लगाओ कि आप महंगे बिल भरते हो, सोलर लगा लो, एक दफ़ा का खर्चा है, सहूलत हो जाएगी। म्यूजियम के लिए पहले टिकट लेनी पड़ेगी भाई। ये तो मेरे ख्याल से कब्रें वगैरह, यहाँ तो कुछ नहीं है, बाकी जो म्यूजियम में जाएगा ना फिर ले गए। फातिमा जिनाह, मोहतरमा फातिमा जिनाह की कब्र है। फातिया वगैरह पढ़ रहे। सरमद मुझे पता है तू अमीर हो गया है गुजरावाला जाके, भाई खर्चे नहीं करे यहाँ पे। इसने बर्फी बहुत हाँ, भेजी है। तूने तो बहुत बर्फी भेजी है, इधर हमारे को करने दे, फिर उधर आएगा, फिर तू करना। वो बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अभी चल रहा है, फीड मैंने चेंज की हुई है। अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक बरकत देगा, उसमें भी देगा इसमें भी देगा, टेंशन नहीं ले। अच्छा यहाँ से टोकन हम ले रहे, म्यूजियम के अंदर की टोकन है, और 5 जने हम लोग। जी सईद भाई, अभी फील्ड चेंज की हुई है भाई ने। अच्छा, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा की क्या हुई, किधर पैसे जाया करे। ये आ गई हमारी टिकटें, म्यूजियम के अंदर का दाखिला, ये देखते अंदर क्या है। वाह जी वाह, क्या गाड़ी आई है यार। फैजान भाई कौन सी गाड़ी है यार? ये कौन सी गाड़ी है? ये बड़ी लग्जरी। ये फास्ट एंड फ्यूरियस में जो वैन डीजल ने इस्तेमाल की वो एवेंटाडोर है, सही। और ये फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में जो गंजे ने इस्तेमाल की जो अच्छी है, यो वाली गाड़ी है। तूने ही तो रेंट पे नहीं दी तो इनको? नहीं नहीं, लेके गया था। ये तो कायद आजम साहब की तस्वीर है। तो ये है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जवानी की पिक्चर है, ये आप देखिए। माशाल्लाह यंग थे बड़े उस टाइम पे, मेरे ख्याल से उनका कोट वगैरह भी है। और ये साथ में पूरी हिस्टोरिकल चीज़ें, हिस्ट्री है टोटल, ये आप देख सकते हैं। और ये कोई मेडल वगैरह है यार, जितना मोहम्मद अली जिन्ना का हमारे कायद की चीज़ें संभाल कर रखी हैं, अगर इतनी इनके 14 नकात 1973 के आइन पे अमल हो, हमारी हुकूमत अच्छे इकदाम ले, चीज़ों का क्या है, वो तो एक चीज़ इस्तेमाल हो गई चीज़, उसकी अपनी वैल्यू है। लेकिन इनके जो कॉल हैं 14 नकात, उनके ऊपर अमल दरामद हो, हुकूमत सिंध के बारे में कुछ सोचे, वो नहीं, मज़ा नहीं है। पंजाब से जो लोग आते हैं, मैं खुद कराची का रहने वाला हूँ, जो वापस आते हैं देखते हैं, दुख होता है। पंजाब ने जिस तरह अपने आप को ग्रो किया,
वो कराची वो लेवल नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। देख लो भाई जो हमारे मेहमान आए हुए बाहर से, वो कह रहे कि हमारे कराची 6-7 साल बाद आने के बाद कोई तब्दीली नहीं मिली बल्कि और ख़राब हो गया है। तो जिनका काम है कोई काम करना, तो बराए मेहरबानी वो अपने काम पर फोकस करें कि जो बाहर से लोग आते उनके सामने हमारा इमेज अच्छा हो। ठीक है, हर चीज़ अच्छी है, वेल मैनेज है। आप ज़रूरी नहीं है जहाँ आप रह रहे हैं वही वाला एरिया अच्छा हो, जहाँ आवाम के कोई MP MLA नहीं रह रहा, लोग मिडिल क्लास लोग हैं, आप उस एरिया पर भी तवज्जा दें, ना कि सिर्फ आप अपने घर के इर्द गिर्द जो लेवल। चलो अल्लाह पाक खैर करे, हम तो यही कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। मज़ीद आगे क्या है समझ, ये जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे ये सारा वो यहाँ पे ला के रखा म्यूज़ियम में। अच्छा म्यूज़ियम से अभी आ गए वापसी, कहाँ जाना है अभी, कहाँ की तैयारी हो रही है? अब हम बाज़ार जाएंगे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग करनी है अभी जी? कहाँ, कौन से बाज़ार लेके जाना पाद? देखो जाते हैं सदर। सदर? हाँ, क्या कहना चाहते हो? एक अदद दुल्हन चाहिए। एक अदद दुल्हन चाहिए भाई, ये रोज़ा है, मेरा रोज़ा है यार, रोज़े में। हाँ अच्छा, निकाह करना है यार। अच्छा निकाह करना है, नहीं फिर ठीक है ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे, देखो सदर जाते हैं या बाड़ा मार्केट जाते, कहाँ जाते? अभी भी मैं मेहमान हूँ। आप भी मेहमान हो? नहीं आप नहीं हो, ये दो मेहमान, ये हमारे ये दो मेहमान है, आप इधर हमारे संगी हो। अल्लाह बाबा संगी इकड़ो गाल बुदाएं। हाँ देखो अभी आगे क्या बनता है। अभी हम लोग सरमद से एक ऐसा सवाल करने वाले हैं जो इसने कभी जिंदगी में भी किसी ने नहीं किया। सरमद ये कबूतर उड़ रहे वहाँ पे? नहीं डायनासोर। डायनासोर उड़ रहे। तो अभी अभी हमें पता लगा है कि मज़ार कायद पे डायनासोर भी मौजूद है उस टाइम के। अभी तक यार अभी बाजार जाना है, बाजार के बाद कहाँ रोजा, कहाँ अफ्तार करना है, CVO करना है, घर करना है, रोड पे करना है, लंगर खाना है, बताओ। रोजा हमारे साथ जो पंजाब वाले ना, अच्छा, समंदर के किनारे 100 रुपए में पाव गीले, वो वाला सीन बनाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं समंदर के किनारे हमारी इफ्तारी JDC पे। ये भी तुमने सही कहा, नजदीक है कायदे आजम के मजार पे, उसको चेक करना, रिव्यू बोलता है, रिव्यू करना चाहते हो? रिव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे भाई, आवाम का पैसा पहुंच रहा है आवाम तक के। हां देखिए आगे चेक करके बताएंगे। आगे बाड़ा मार्केट जी जी भाई, बाड़ा मार्केट आ गए। लेना क्या है यहां से? जो भी अच्छा लगा यार, जो पसंद आ गया, ये खिलौने वगैरह है, कुछ बच्चों के लिए लेंगे, कुछ बच्चों की वालदा के लिए लेंगे। सही हो गया, सही हो गया। नहीं यार अच्छी बात है, जाते हुए बच्चे खुश होते हैं ना कि पापा कुछ ले गया है। सरमद आप कुछ ले नहीं रहे भाभी के लिए? भाभी है ही नहीं यार। नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाभी नहीं है अभी तक? भाभी नहीं है, यही तो मसला। एक काम करो ना, यहाँ से कुछ लो, टायर लोगे तो गाड़ी आएगी ना, टायर आपने लिए ही नहीं, गाड़ी कैसे आएगी? अरे यार उस्ताद क्या करें, अब शादी नहीं हुई तो नहीं हुई, तुम सबकी हो गई। अच्छा। बात बात पे यार आप भाभी भाभी बोलते रहते हो। चलो चलो दिल छोटा नहीं करते, अभी हम आपके लिए इधर कोई ढूंढते, गुड़िया गुड़िया ढूंढते। आगे जा रहे, देखते हैं क्या लेना है, शूज़ वगैरह लेने हैं, क्या करना है। कौन? सरमद की तरफ। सरमद, सरमद शूज़ ले रहे भाई अपने लिए। हाजी हाजी किधर है? इधर ही। भाई हाजी को शूज़ नहीं पसंद आ रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। आपकी क्या पसंद घटिया हो गई है, क्या चक्कर हो गया? हाँ आपकी पसंद क्यों इतनी लेट हो रही है भाई? यार पसंद अगर जल्दी हो जाती अभी तक शादी ना हो जाती। वाह 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 वाह, क्या तूने बात बोली है मेरे को। क्या चाहता क्या तू? तेरे को जूता देख रहा हूँ, तू कौन सा जूता पसंद कर रहा है? अच्छा दे दे। अच्छा अभी पसंद नहीं। सईद भाई क्या हुआ, कोई शूज वगैरह समझ में नहीं आ रहे? प्यार हुआ, इकरार हुआ। आप आपने क्या हुआ, नहीं लिया क्या बाड़ा मार्केट से कुछ? कोई चीज नहीं ली। क्यों? बस ऐसे ही, दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा है, साथ है नहीं कोई शॉपिंग करने वाली, क्या बंदे भाई शार्ट है। फैजान को आने दो, वो है ही नहीं, फैजान शार्ट हो गया है। एक बंदा हमारा गया हुआ है, पता नहीं कहाँ गया हुआ है, मैं नहीं पता, वो आ जाए। बंदी चाहिए, बंदी भाई जो भी देख रहा है वीडियो के लिए। हाँ करें। तो वहाँ से आपने जो उसको भेजना उसको भेज देना। सईद भाई क्या ले रहे हो? बैग। सही है। अच्छा अच्छा, जो हम आपको पहनने ही नहीं दे रहा कराची में। ये बैग है सईद भाई, साइड वाला है ये, वही है ना जो मैं। ठीक है, कितने का ये? बहुत अलग बोल रहा है, 1000 रुपये। ऑरेंज वाला भी दिखाना, वो साथ ग्रीन ऑरेंज ये वाला। हाँ
भाई घूम घूम के तो मैं तो थक गया हूँ, तो मैं बैठ गया यहाँ पे। अभी सरमत भी आके बैठ गया, तो पीछे आप देखो फैजान भाई लगा हुआ है दुकानदार के साथ, और अपना सईद भाई वहाँ लगा हुआ है, पाद यहाँ लगा हुआ है। सही है, हम लोग अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, देखते फिर आगे का क्या सीन है। रोज़ा भी है वाकई में रोज़ा भी है यार। नहीं ऐसे वैसा नहीं समझो यार, वाकई में रोज़ा है। शूज़ ले लिए? हाँ भाई शूज़ तो ले लिए। कितने के लिए? नसीब करे हमें भाई। अच्छा। ये बात नहीं पूछते कितने। अच्छा के कितने, ये नहीं पूछते भाई। ठीक है चलो चलो ठीक है चलो भाई, बाड़ा मार्केट को भी अलविदा करेंगे। शूज़ वगैरह ले लिए फैजान भाई ने,